तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने इंस्टाग्राम हाईलाइट को अपने फ़ोन से क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, दो मेथड बताने वाला हूँ, दोनों बहुत ही सिंपल है। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको दोनों मेथड समझ में आ जाए और जो सिंपल लगे वो अप्लाई कर लेना और आप एक प्रोफेशनल इंस्टाग्राम हाईलाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं अपने मेथड की तरफ। तो हम सब ये जानते हैं कि जो भी आप स्टोरीज डालते हैं इंस्टाग्राम पे वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 आवर तक विजिबल होती हैं, उसके बाद वो हट जाती हैं। तो अगर आप कोई इंपॉर्टेंट लिंक डालें अपनी स्टोरीज में और उसके थ्रू मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है या फिर कोई अपने यूट्यूब का लिंक डालें कोई वीडियो का ताकि उस तक जाए, उस वीडियो तक व्यूज जाए, तो आप चाहेंगे कि यार ये कम से कम काफ़ी टाइम तक तो रहे, तो आप ये कर सकते हैं। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप जो भी स्टोरी डालते हैं उसको परमानेंट रख सकते हैं, वो होगा अगर आप उसको इंस्टाग्राम पे हाईलाइट फॉर्म में रख दें। तो इंस्टाग्राम हाईलाइट क्रिएट करने से पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम हाईलाइट के दो पार्ट होते हैं और आपको दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा, एक उसका कवर और दूसरा उसको जो टाइटल जो उसके नीचे लिखे रहते हैं उसका टाइटल। तो परफेक्ट हाईलाइट क्रिएट करने से पहले मैं एक ब्रांड का एग्जांपल देना चाह रहा हूँ और उस एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि इसी तरह का अगर हम हाईलाइट क्रिएट करें तो ज़्यादा प्रोफेशनल और वेल लुकिंग हाईलाइट रहेगा। तो मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ वॉ स्किन साइंस इंडिया का। तो आप देखेंगे इसमें दो चीज़ आपको ध्यान देने को मिलेगी, जो भी पॉपुलर ब्रांड है उसमें दो चीज़ बहुत कॉमन होती है कि प्रोफाइल का बैकग्राउंड है और जो हाईलाइट में है वो जो प्राइमरी कलर है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल वॉ स्किन साइंस में देखें तो इनका जो प्राइमरी कलर है वाइट है, उसके बाद जो भी इसमें देखें सब वाइट है इनका। तो यहाँ से एक चीज़ हम ये जान सकते हैं इनका जो प्राइमरी कलर है वो सेम होना चाहिए। और जो दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो भी प्रोडक्ट है उसका टाइटल भी वही चीज़ है। फॉर एग्जांपल एलोवेरा है तो उसका टाइटल भी वही रखे हैं, ओनियन रेंजर तो ओनियन है उसमें, उसके बाद बाकी इनका जो भी प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट उसमें डाले हैं। तो हाईलाइट में ये ध्यान देना है कि जो भी आपका टाइटल हो उसमें वही प्रोडक्ट या जो भी आपकी स्टोरीज हैं वो डालना है। तो जो भी इनका कवर है वही इनका टाइटल है। ऐप का यूज़ करने वाला उसका नाम है कैनवा। होपफुली आपने कहीं ना कहीं कैनवा यूज़ किया होगा, फॉर एग्जांपल यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए। मैं जैसे लैपटॉप में यूज़ करता हूँ लेकिन इसमें मैं मोबाइल में यूज़ करके बताऊँगा कैसे हाईलाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। कैनवा आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर जाके आप कैनवा सर्च करेंगे तो आपको, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ इसको, तो इसको मैं ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे आप स्टोरी हाईलाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आपको जाना होगा और सबसे पहले जो एग्जांपल यहाँ लोगो इंस्टाग्राम पोस्ट है तो इंस्टाग्राम स्टोरीज पे जाना होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं ब्लैंक कर देता हूँ, मैं अपने से क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अगर आप क्रिएटिव हैं तो अपने से क्रिएट कर सकें, नहीं तो मैं एक सिंपल मेथड बताऊँगा, उसमें आपको बहुत सिंपली एक तरीके से आपकी स्टोरी हाईलाइट क्रिएट हो जाएगी। तो एग्ज़ाम्पल फिर मैं यहाँ से उसके बाद मैं एलिमेंट पर जाता हूँ। एलिमेंट पर जाने के बाद मुझे चाहिए एक सर्कल बेसिकली, तो ये सर्कल मिल गया। और अगर मैं चाहता हूँ मैं अपने YouTube वीडियोस के लिए हाईलाइट क्रिएट करना, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक YouTube का भी साइन हो, तो उसी में प्लस आइकन क्लिक करते हैं और उसके बाद YouTube पे जाते हैं तो YouTube आ गया। और मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा कलर है वो बेसिकली कलर अच्छा नहीं लग रहा उतना, तो मैं इसको कर देता हूँ क्या करूँ ब्लैक कर देते हैं, तो इस तरह का ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह की आप क्रिएट कर सकते हैं इसको थोड़ा सा, और चाहे तो आप इसको जूम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये जूम हो गया, इसको भी सेंटर में ला देते हैं और इसको भी थोड़ा जूम कर देते हैं और सर्कल को थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका क्रिएट हो जाएगा, तो डन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से कुछ लगेगा। उसके बाद यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ इसको, तो सेव इमेज एज सेव कर लेते हैं इसको, ये मेरा सेव हो जाएगा। तो इसके बाद आप जाएंगे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम में जाने के बाद अगर आप इसको अपने स्टोरी में डालना चाह रहे हैं तो न्यू पे क्लिक करना होगा आपको। तो जो भी आप इसके अंदर जो भी पोस्ट डालना चाह रहे हैं उसको ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब मैं इसमें एज अ हाईलाइट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, इन सबको नाम वगैरह देते हैं। उसके बाद इसको चेंज मैं करना चाह रहा हूँ, तो इसको चेंज करने के बाद आपको यहाँ से ये वाला ले लेना होगा, सेलेक्ट कर लेना होगा जो आपने अभी क्रिएट किया है। मैं पहले भी क्रिएट कर चुका हूँ तो बिल्कुल सेम तरीका है, उसको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। हाईलाइट कुछ नाम दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब वीडियोज़, तो इसको डन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो हाईलाइट है वो क्रिएट हो गई।
इसमें आप कुछ भी अपना जो भी लिंक है वो ऐड कर सकते हैं। इसके सेकंड मेथड देखते हैं उसमें कैसे क्रिएट करते हैं। तो सेकंड मेथड के लिए भी आपको खोलना पड़ेगा कैनवा। तो आपको बहुत सारे ऐसे फ्री टेम्पलेट मिल जाते हैं कैनवा में, जिसको आप स्टोरी हाईलाइट की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जाके आप इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर क्लिक करें तो ऑलरेडी मैंने ब्लैंक में बनाया था, ऑलरेडी बहुत सारे हाईलाइट पड़े हुए हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टोरी हाईलाइट के लिए, इसमें से जो भी मन करे आपका। तो अलग अलग ओकेज़न के लिए, दिवाली के लिए या फिर कोई फेस्टिवल है उसके लिए, तो हर तरीके के यहाँ से आपको स्टोरी हाईलाइट मिल जाएगा। कुछ हाईलाइट जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के लिए वो ये हैं। यहाँ पर जाके आप और भी पा सकते हैं। तो ये था सिंपल सा तरीका। तो यार अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये बताना कि कैसा आपको ये वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हो। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।